सकता है। कलर भी सीधे सीधे नहीं बोलते, ग्रीन नहीं एप्पल ग्रीन, रेड नहीं क्रिमसन रेड, पिंक नहीं हॉट पिंक। साला इसलिए केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की अच्छी होती है। कुछ भी कराते रहते हैं, फ्लेम टेस्ट, सॉल्ट एनालिसिस, टाइट्रेशन, ब्राउन रिंग टेस्ट, रॉटन एग स्मेल। अबे क्यों सूंघूं मैं सड़ा हुआ अंडा, क्यों ब्राह्मण हूं मैं? एटॉमिक साइज कट रहे हैं। दोस्तों नंबर 10 पर है कॉमेडी ड्रामा सीरीज फादर। दोस्तों इसके टीजर ने ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि उसकी जो ओपनिंग थी वो फेमस हॉलीवुड सीरीज फ्रेंड्स की ओपनिंग पर बेस्ड थी। दोस्तों इसकी मेकिंग का आइडिया वहां से आया जब टीवीएफ के एक यूट्यूब वीडियो फादर्स वॉचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स को ऑडियंस से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तब टीवीएफ चैनल ने ये एक सीरीज बनाकर ऑडियंस के सामने पेश की। दोस्तों इस सीरीज की बेसिक स्टोरी लाइन है कि यहाँ जो फादर्स होते हैं वो अपने बच्चों से एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज में ब्रिजेश काला, गजराज राव और अतुल श्रीवास्तव ने लीड कैरेक्टर प्ले किया और वो इस कैरेक्टर में बिल्कुल एग्जैक्ट बैठे हैं। नंबर 9 पर है ये है मेरी फैमिली, जो कि एक कॉमेडी और फैमिली ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज को 7 एपिसोड्स में रिलीज किया गया जिसका पहला एपिसोड 12 जुलाई 2018 को रिलीज हुआ। ये सीरीज बेसिकली फैमिली रिलेशंस पर बेस्ड है जो कि यंग जनरेशन को बताती है कि कैसे फैमिली रिलेशन। फैमिली रिलेशन को मेंटेन किया जा सकता है और कितना आज की सोशल लाइफ में फैमिली मैटर करती है। वैसे तो इस बड़े से यूनिवर्स में हमारी ये फैमिली बहुत छोटी लगती होगी, लेकिन हमारे लिए तो फैमिली ही हमारा यूनिवर्स है। नंबर 8 पर है द मेकिंग ऑफ, जो कि एक कॉमेडी सीरीज है। इसको 17 अप्रैल 2014 को 7 एपिसोड्स में रिलीज किया गया। दोस्तों अगर एक तरीके से देखें तो इसे सीरीज नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके हर एक एपिसोड में आपको अलग थीम्स और कैरेक्टर्स भी अलग मिलेंगे। दोस्तों जैसा कि इसका टाइटल बताता है द मेकिंग ऑफ, इस सीरीज में बहुत सी चीजों की मेकिंग को फनी वे में प्रेजेंट किया गया जिससे कि इस सीरीज में कॉमेडी क्रिएट होती है। तो दोस्तों अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो आपको ये सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। मोर इंपैक्ट एंड एक्शन। दोस्तों नंबर 7 पर है बेयरली स्पीकिंग विद अर्णव, जो कि एक कॉमेडी टॉक शो टाइप सीरीज है जिसे 4 एपिसोड्स में रिलीज किया गया। ये कॉमेडी टॉक शो ही नहीं बल्कि एक सुपर्ब कॉमेडी टॉक शो है। अगर इसे सीरीज कहें तो इसके लीड कैरेक्टर में रहे बिस्पापति सरकार, जिन्होंने इस टॉक शो में होस्ट का रोल प्ले किया। जैसा कि इसका टाइटल है, इस सीरीज में पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज की रियलिटीज को डायरेक्टली और एक फनी तरीके से प्रेजेंट किया गया। दोस्तों इस शो में कॉमेडी का एक नया ही पैटर्न और बिल्कुल अलग ही प्लॉट निकल कर आया और इस सीरीज के लीड कैरेक्टर बिस्पापति सरकार के बारे में जो कहा जाए वो कम है, उन्होंने शो में फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी है। मिस्टर सिद्दीकी, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? कभी कभी तो लगता है आप पुनीत भगवान है। मिस्टर सिद्दीकी, लेट मी इन्फॉर्म यू, इस चैनल पे एक ही भगवान है, मैं। एंड व्हाई कभी कभी लगता है व्हाई इज भगवान सो अंडर कॉन्फिडेंट? भगवान के भरोसे मत बैठो साहब, हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठता हो। कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स देयर, बट कैन यू प्लीज नॉट डू दिस डराने धमकाने वाले डायलॉग्स? कैन यू से सम रोमांटिक डायलॉग्स फॉर आवर व्यूअर्स? अगर वो मेरे से प्यार करती है तो पलटेगी। पलट नंबर 6 पर है बैचलर्स, जो कि कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज को 15 जून 2016 को 2 सीजन में रिलीज किया गया जिसमें हर एक सीजन में 5 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज बैचलर्स की लाइफ को बहुत करीब से दिखाती है, तभी इस सीरीज ने बैचलर्स को बहुत अट्रैक्ट किया। ये सीरीज 4 बैचलर रूममेट्स की स्टोरी है जिनकी लाइफ में डेली बैचलर टाइप प्रॉब्लम्स आती है जिसका वो मिलकर सामना करते हैं। दोस्तों इस सीरीज के लीड स्टार्स जसमीत सिंह भाटिया, भुवन बाम जो कि एक फेमस यूट्यूबर है, बद्री छवन, शिवांकित सिंह परिहार जो कि हमें ओके ठीक है कहानी रिवील नहीं। नंबर 5 पर है ह्यूमरसली योर्स, जो कि रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज को 11 दिसंबर 2016 को 5 एपिसोड्स में रिलीज किया गया। ये सीरीज बेसिकली स्टोरी है स्टैंड अप कॉमेडियन विपुल गोयल की, जो ये बताती है कि स्टैंड अप कॉमेडी के स्टेज के पीछे विपुल गोयल की रियल लाइफ कैसी है, बताती है कि कैसे टफ सिचुएशन उनकी रियल लाइफ में है
और कैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन को स्ट्रगल करना पड़ता है। इसकी लीड स्टार में रहे विपुल गोयल, राशिका दुग्गल और अभिषेक बैनर्जी। जहां विपुल गोयल ने अपना खुद का रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले किया और जब ये उनका रियल लाइफ कैरेक्टर था तो इसे उनसे बेटर कोई प्ले नहीं कर सकता था। और राशिका दुग्गल ने उनकी वाइफ का रोल इस सीरीज में प्ले किया। वेरी फनी विपुल गोयल। दोस्तों नंबर 4 पर है ट्रिपलिंग, जिसका सीजन 1 9 सितंबर 2016 को रिलीज हुआ और सीजन 2 5 अप्रैल 2019 को रिलीज हुआ। ये वेब सीरीज सिबलिंग्स के रिलेशंस पर बेस्ड है। ये स्टोरी है तीन भाई बहनों की, चंदन, चंचल और चितवन की, जो तीनों साथ में ट्रिप स्टार्ट करते हैं अपने आप को जानने के लिए और अपनी रिलेशंस को जानने के लिए। फिर चंदन इस ट्रिप पर एक बुक लिख देता है जिसका टाइटल होता है ट्रिपलिंग, और फिर इस बुक का उनकी पर्सनल लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है, इससे सीरीज में ड्रामा क्रिएट होता है। दोस्तों इसके अलावा शायद ऐसी कोई सीरीज होगी जो कि सिबलिंग्स के रिलेशंस पर बेस्ड है और जो कि बिल्कुल हटके है। इस सीरीज के तीनों लीड कैरेक्टर्स सुमित व्यास, मानवी गार्गो और अमोल प्रसार, इन तीनों की वजह से, इनकी एक्टिंग की वजह से इस सीरीज की स्टोरी हमें एंजॉयिंग लगती है। Enough! Chanchal, what the hell is wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with you? नंबर 3 पर है परमानेंट रूममेट, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। इसके सीजन 1 को 5 एपिसोड्स में 29 अक्टूबर 2014 को रिलीज किया गया और सीजन 2 को 8 एपिसोड्स में 14 फरवरी 2016 को रिलीज किया गया। दोस्तों ये सीरीज एक स्टोरी है यंग कपल तानिया और मुकेश की, जो कि 3 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी का डिसीजन लेते हैं, जो उनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है, और इसी को लेकर सीरीज में ड्रामा क्रिएट होता है। इस सीरीज की लीड कास्ट में रहे सुमित व्यास, जिन्होंने मुकेश का रोल प्ले किया, और हर सीरीज की तरह यहाँ भी उन्होंने अपने कैरेक्टर को बेस्ट प्ले किया। साथ ही उनके पार्टनर का रोल यानी तानिया का रोल प्ले किया निधि सिंह ने। इस सीरीज की सपोर्टिंग कास्ट में भी बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स रहे, जैसे कि असरानी, शिशिर शर्मा और दर्शन जारीवाल, जिन्होंने हर बार की तरह अपने रोल को बेस्ट प्ले किया। जलाकर सोती हूं या बंद करके सोती हूं? Do I like Bollywood commercial films or black and white noir films? Do I like apartments or bungalows? Am I scared of cats or dogs? Do I like aliens or do I like ghosts? मुझे कौन से खाने से एलर्जी है? कौन से खाने से मुझे एलर्जी नहीं है, मगर मैं कहती हूं कि मुझे है, just to save myself from the embarrassment of admitting कि मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद है, और मैं अगले 10 साल की। नंबर 2 पर है TVF Pictures, जिसका सीजन 1 5 एपिसोड्स में 3 जून 2015 को रिलीज किया गया और सीजन 1 की पॉपुलैरिटी के बाद सीजन 2 को जून 2019 में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों ये सीरीज बताती है कि लाइफ में बड़े डिसीजंस लेना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ले लिए जाए तो लाइफ चेंज हो सकती है। ये बताती है 4 फ्रेंड्स के बारे में जो अपने रूटीन जॉब से बोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि उनको लाइफ से कुछ और चाहिए, फिर वो अपने रूटीन जॉब से रिजाइन करके अपना खुद का स्टार्टअप करते हैं। दोस्तों इसके फर्स्ट ट्रेलर की रिलीज के बाद सीरीज को अमेरिकन टीवी शो सिलिकॉन वैली से सिमिलर बताया गया, लेकिन टीवीएस ने क्लियर किया कि इसका प्लॉट और कंटेंट बिल्कुल अलग है। इसकी लीड कास्ट में रहे नवीन बंसल, जितेंद्र माहेश्वरी, योगेंद्र कुमार और सौरभ मंडल, जो कि एक यंगस्टर्स के रोल में इस सीरीज में बिल्कुल सटीक बैठे हैं। नंबर 1 पर है कोटा फैक्ट्री, जिसका सीजन 1 अभी 5 एपिसोड्स में 16 अप्रैल 2019 को रिलीज किया गया। दोस्तों जैसा कि इस सीरीज का टाइटल है, इस सीरीज में दिखाया गया है कि कोटा एक फैक्ट्री है जहां एजुकेशन एक बिजनेस है और कोचिंग किस तरह स्टूडेंट्स को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करती है। इस सीरीज में IIT JEE एस्पायरेंट्स की प्रॉब्लम्स और उनकी स्ट्रगल को बहुत करीब से दिखाया गया। ये सीरीज स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करती है और बताती है कि कैसे कई पेरेंट्स अपने बच्चों के ड्रीम्स को जाने बिना उन्हें कोटा भेज देते हैं, जहां बच्चों का इस IIT JEE की रेस में इनकी फैमिली, फ्रेंड्स और सब कुछ पीछे छूट जाता है। इसकी लीड कास्ट में रहे मयूर मोरे, जिन्होंने वैभव पांडे का रोल प्ले किया और अपने डायलॉग्स और सुपर्ब एक्टिंग से ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। रंजन राज, जिन्होंने बालकुमुकुंद मीना का रोल प्ले किया और बिल्कुल अलग ही एक्टिंग स्किल्स इस सीरीज में दिखाई। और आलम खां, जिन्होंने उदय गुप्ता का रोल इस सीरीज में प्ले किया। दोस्तों ये सीरीज TVF की लेटेस्ट और सबसे बेस्ट सीरीज है, इसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए।